इधर अमरोहा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने सपा के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने सपा और सुभाषपा के गठबंधन को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश हर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, फिर हमसे क्यों नहीं। ये अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है मुझे नहीं। मैंने तो सहयोगी के तौर पर अपनी सारी बात उनके सामने रख दी है। अगर सपा से गठबंधन नहीं होता तो उनकी पार्टी के लिए दूसरे विकल्प भी खुलेंगे। 2022 चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर बेताब दिख रहे शिवपाल ने कांग्रेस की तरफ जाने का भी इशारा किया और कहा कि प्रसपा उस दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार है जो सेक्युलर है और एक विचारधारा वाली है। वहीं चुनाव में मुलायम सिंह के आशीर्वाद और प्रचार को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनसे नेताजी ने वादा किया है कि अगर अखिलेश यादव ने उनकी बात नहीं मानी तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार करेंगे। आप चचा भतीजे गठबंधन कब तक होगा? देखिए, इसकी मुझे तो अभी सूचना नहीं, मैंने तो सब बातें बोल दी। अब अगर अखिलेश को समाजवादी पार्टी को करना है तो बात करें। हम और हमारे लोगों का पहले सम्मान होना चाहिए। ज़रूरत तो मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की होती है, हम तो सहयोगी के रूप में थे। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारे तो विकल्प खुले हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे अगर गठबंधन नहीं होता है तो? अब ये तो समय बताएगा ना। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई। डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर बैठक में चर्चा होगी, ऐसी खबर है। वित्त विभाग के अधिकारियों की मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम ये बैठक होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। वैट जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है वैट का टैक्स, उस पर मंथन होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इस बैठक में चर्चा होगी और क्या किया जा सकता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इस बैठक के जरिए समाधान निकालने की ओर बढ़ सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं, उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं अपने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की तैयारियों को धार देने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह यूपी आने वाले हैं। अमित शाह 1 महीने में 3 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत शुक्रवार 29 अक्टूबर को लखनऊ दौरे से होने जा रही है। लखनऊ में अमित शाह भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने इस बार यूपी में 1.5 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा अमित शाह यूपी भाजपा के नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे और इसके बाद गृहमंत्री का 13 और 14 को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम। नवंबर में ही अमित शाह का 21 और 22 नवंबर को लखनऊ आने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। आदरणीय अमित शाह जी का महत्वपूर्ण प्रवास है क्योंकि सदस्यता का शुभारंभ होगा और मेंबरशिप होगा और सदस्य बनाना, कार्यकर्ता बनाना, फिर संगठन के लिए समर्पित होकर काम करना, क्योंकि संगठन कार्यकर्ता आधारित है। आदरणीय अमित शाह जी का महत्वपूर्ण बैठके हैं, विभिन्न प्रकार की बैठके हैं, तो सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की बैठक है, फिर अपने लोकसभा के संयोजक, लोकसभा प्रभारी जो लोग बने थे 2019 में, उनकी बैठक है, फिर शाम को संगठन की बैठक है। शुद्ध रूप से संगठनात्मक प्रवास है आदरणीय अमित शाह जी का।